वर्ष 2020 के लिए झारखंड से जिन दो हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है उनमें से एक मधु मंसूरी हसमुख साहब अभी हमारे साथ हैं। दिल्ली से राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री अवार्ड लेकर लौटे हैं और पहली बार ईटीवी भारत पर इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले तो ईटीवी भारत की ओर से मंसूर जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जोहार है। ये बताइए कि शुरुआत यही करते हैं कि जब भी आपके आपके नाम का जिक्र होता है तो नाम में भी एक कला छिपा हुआ है, मधु मंसूरी हसमुख। कैसे एक छोटा सा बच्चा एक गांव का मधु मंसूरी हसमुख बन गया, बताएं कम सब। मधु जो मेरा नाम है ये शराब से रिश्ता रखता है जी, दारू। बचपन में जब मेरी जन्म से जब मेरी उम्र 17-18 महीना था, मेरी माँ गुजर गई थी, मर गई थी, तो मैंने किसी महिला या किसी गाय का दूध नहीं पिया। और इस तरह से एक दिन हफ्ता 15 दिन में ऐसा स्थिति आ गया कि मरने के जैसा। लोगों ने, बाप दादा ने सोचा कि आज कहीं घर से नहीं जाना है, बच्चा कभी भी मर सकता है, ऐसा सोच लिया। घर में वो लोग था। इसी बीच में गांव का एक देवशकर अहिर नाम करके, अहिर महतो, वो अपने दारू हाथ में दारू का बोतल लेके ऊपर मोहल्ला से नीचे मोहल्ला अपना घर जा रहा था। भीड़ भड़ा का देख के वो भी आ गया, पूछा क्या कारण है जो आप लोग भीड़। पिताजी बोल दिए कि अरे दादा, ये छुआ तो आज नई बात तो ऐसा नहीं। तब वो देवशकर अहिर लोग को बोला, हमको तो मालूम क्या, मेरे बाप दादा जो बोले हैं ये बात हम बोल रहे हैं। ए बाबू, तोहरे हमके मारबा की काटबा रे, हाँ मेरे को दवाई इके देवत है, जिंदगी बाज जाती। तो उसके हाथ में जो दारू था, उसको जो तालाब में सितुआ मिलता है जहाँ लोग बच्चे को टैबलेट वगैरह को महीन से घोल के खिलाता, तो उस सितुआ में दारू भर के हमको थोड़ा चूड़ा पिया दिया। तो नशे में सीरियस होके सो गए हम, जैसा ये लोग कहता है जी। फिर 2-4 घंटा बहुत चंगा हालत में हम हाथ आँख खोले और हाथ पैर मारने लगे, फिर पिला दिया गया। उसके बाद में रात 8-9 बजे फिर हमारी नींद टूटी। फिर शायद लोग हमको, हमारा पिताजी बोलता था कि भात को महीन से माड़ में मिस के खिलाने की आदत बनाने लगे। और रोज़ सुबह उसका घर हमको जाके लोग थोड़ा सा दारू पिला देता था। देवशकर अहिर का भाई आह्लाद के यहाँ पीते थे, बड़ा होते तक पीते थे। और जब दारू पी के उसका घर से नशा हो जाता था, आने नहीं सकते थे, तो एक इमली है रास्ते में, उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, हाथ पैर रगड़ते रहते थे जमीन में। हाँ, पास में एक छोटा सा कटोरा होता था। तो कोई आदमी हमको गांव के अहिर महतो, उराव लोग या हमारे चचा लोग गोद में उठा के घर तक पहुंचा देता था। तो छुनकू अहिर नाम करके एक आदमी ले लाया, मेरा बाप को बोला, ए दा बल कहा ई छुआ तो एकदम मधुआ हो गलो, से मधुआ से हमर नाम मधु हो गले, ऐसा मेरा बाप दादा का कहना है। देखिए, कहा जाता है कि कभी कभी वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि दारू भी दवा का काम करने लगता है, और यही हुआ है मधु मंसूरी हसमुख के साथ। लेकिन जो इनका टाइटल है हसमुख, ये कैसे आया, यह भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है और हम इनसे जानना चाहेंगे, हसमुख कैसे हो गए आप? हसमुख कहने का मतलब ये कैसे हुए हम साफ साफ बता दे रहे हैं। हम चौथा या पांचवा क्लास में पढ़ते थे रातू LP स्कूल में। बुध या शनिचर का दिन रहा होगा, क्योंकि मेरी माँ घर में नहीं थी, दूसरी माँ थी, पहली माँ तो मर गई थी, दूसरी माँ घर में नहीं थी, या कहीं बाजार हाट गई होगी, जो भी। तो मेरे पिताजी मरवाड़ी हाई स्कूल के एक शिक्षक थे, कुलदीप सहाय, उनका अपना खानदानी घर हिंदपीढ़ी रांची में। तो उनका मेरे गांव में ज़मीन जगह है, तो वहीं उनका, मेरा बाप उनका काम करने, रोपाई का काम होने वाला था, इसलिए बीड़ा जिसको बिचड़ा कहते हैं वो अपने कांध में ढोने गए थे, क्योंकि मेरा बाप एक ग्रामीण मजदूर थे। तो जब हम स्कूल से 4 बजे 5 बजे आए,
तो मेरे पिताजी के पास हम आए घर का चाबी लेने। अब बोले हमको ये बात याद है जी। बोले हम भात रख दे ही बा, मैंने खाना रख दिए हैं कि नहीं, उतना दूर से आए हैं बच्चा सुबह खा के गए थे। तो मेरा पिताजी बोला कि हो बाबू भात हो। तब हम गए तो हमको वो कुलदीप मास्टर जो था वो रोका, का नाम हमको बाबू तोर रे। तो हम बोली मधु मंसूरी। तो आज से तोर नाम हम मधु मंसूरी हसमुख रख देती हो। अच्छा। ये कुलदीप मास्टर का देन है जो मरवाड़ी हाई स्कूल में रांची में टीचर था। और उसी दिन से फैलते धीरे धीरे वो ऐसन कह लो वैसन कह लो, फैलते फैलते मधु मंसूरी प्रचलित झूठ भी सच बन जाता है, ऐसा मधु मंसूरी हसमुख हो गए। अच्छा, फिर ये सवाल है कि एक बच्चा जो अपने जीवन बचाने का लड़ाई बचपन में 18-19 महीने की उम्र में लड़ा, फिर उसके बाद हसमुख बन गए, फिर ये नवजागरण के गीत कैसे गाने लगे? कौन सा वाक्या था जब आप नवजागरण से जुड़ गए? देखिए, झारखंड राज्य में एक मुहावरा है, चलना यहाँ का नाच है और बोलना यहाँ की गीत है। मेरे पिताजी एक ग्रामीण मजदूर थे लेकिन वो एक अच्छे गायक थे, मैं उनके साथ बराबर रहता था। अगर वो दिन भर काम करते थे और रात को अगर 4 बजे भोर में उनका नींद टूट जाता था तो उस समय वो बिस्तर में ही सोए सोए खूब गीत गाते थे, और मैं उनके कर के बगल में सोया रहता था, मैं भी सुनता था, मुझको वहाँ से बुनियादी प्रेरणा मिला। दूसरा प्रेरणा अगर हमको कहीं से मिला तो यहाँ का पर्व त्यौहार करम जितिया तीज, ये जो सरहुल, ये जो होली, ये सब मेरा पुश्तैनी घर के आंगन में अखड़ा और 2 अखड़ा, एक आदिवासी भाइयों का और एक मूलवासी भाइयों का, रात भर गाना बजाना चलता था, वो मेरा आंगन ही था, ये मुझको वहाँ से भी प्रेरणा मिला। और इससे भी बड़ा प्रेरणा अगर कुछ हमको मिला तो यहाँ का जो जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत है, ये भी मुझको प्रेरित किया। देखिए, हमारे दर्शक को अब चूँकि ये जो इंटरव्यू है लंबा हो रहा है तो बीच में ज़रूरी है कि एक आप अपने जो गांव छोड़म नहीं, जो आपका अच्छा, सबसे चर्चित जो गीत है आपका, वो आप सुनाइए। ठीक है। अरे गांव छोड़ब नहीं हम, जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं हम, गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, बांध बना ले गांव डुबा ले, कारखाना बना ले और जंगल काटी, खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले, बांध बना ले गांव डुबा ले, कारखाना बना ले और जंगल काटी, खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले, जल जंगल जमीन छोड़ हम इन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाएं, से ले गांव छोड़ब नहीं हम, जंगल छोड़ब नहीं और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। अच्छा, ये जो झारखंड के नवजागरण का जो आंदोलन था उससे आप जुड़े, कहा जाता है कि पहली बार रातू महाराज जो थे वो भी आपकी प्रशंसा किए थे, क्या था वो वाक्या? 2 अगस्त 1956 ईस्वी को रातू प्रखंड कार्यालय का शिलान्यास हो रहा था तो हमारे गांव से दिल मोहम्मद नाम करके एक आदमी ले गया था, वहाँ गाना बजाना हो तो बाबू से हम तो के लेगबू, तो हमारा बाप भी जाने का इजाज़त दिया, ले गया। और वह दिन था उद्घाटन का, छोटा नागपुर महाराजा चिंतामणि शरण नाथ साधव थोड़ा सा कुदाल खेती कोड़ी चला के जमीन कोड़े थे, बैठे थे। उसके बाद में हम यहाँ के एक बहुत पुराने प्राचीन कवि थे, पुराने कवि थे घासीराम जी, उनका एक गीत गाए थे, महाराज साहब बहुत खुश होके हमको वहाँ उनके जगह पहला वीडियो को, काफी दिन हालांकि हो गया, कुछ 2 लाइन याद है उसका? हाँ बिल्कुल याद है। तो हम उस गीत को गाए थे, कवना का सूर्य दया बिछुरा ला मोह
मोर पिया को छन लागत ना बेसे छोड़ी राखल दूर देसे हर को छन लागत ना बेसे छोड़ी राखल दूर देसे उनके तो बेसे भेल मोके पिया दुखा देल में दनी में रहबु मोय कैसे छोड़ी राखल दूर देसे। ये गीत गाए थे हम। इसमें जो हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ दूर देश की बात आप कर रहे हैं, तो क्या ये कोई पलायन से जुड़ा हुआ था क्या? जी जी, महिला गा रही है कि हमको अकेला छोड़ के मेरा पति दूसरे जगह चला गया है कमाने खाने, तो मुझको तो जुदाई में अकेला अच्छा नहीं लगता है, अपने तो जाके वहाँ क्या कर रहा है, कैसा आनंद ले रहा है, लेकिन मुझे को तो तरह तरह का कष्ट दे रहे हैं। देखिए, एक और दिलचस्प बात यह है जो बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि बाहर के लोगों को शायद ही मालूम हो कि मधु मंसूरी हसमुख झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं, शिबू सोरेन के काफ़ी करीबी हैं और केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सांस्कृतिक सेल है उसको ये लीड करते हैं, उसके हेड हैं। आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कुछ जल जंगल जमीन की जो बातें होती है हसमुख साहब क्यों उसके लिए जाने जाते हैं। इनसे पूछते हैं एक सवाल कि गुरु जी से पहली मुलाकात कब हुई थी और क्या कहा था उन्होंने, क्या कुछ की तीर और गीत क्या कुछ करेगा? शिबू सोरेन, एके राय और कौन कौन आदमी थे, केदला कोलवरी रामगढ़ से आगे वहाँ वो लोग आया था, एक आंदोलन का कार्यक्रम था या क्या था, लेकिन मैं हमको गाने के लिए जी वहाँ लोग लयो गांव के लोग बुलाया था। अच्छा। तो हम गए थे और खूब कई गीत हमने झारखंड आंदोलन का गाए थे। फिर देखिए, चूंकि आप इतना बढ़िया गाते हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, फिर एक गीत वहाँ पर का आपको सुनाना होगा अमरिंदर सिंह। चलिए सुनाएंगे जी। तो हम वहाँ गीत गाए थे, इरो के ले भाई मानी चल भैया सीना तानी छुआ बूढ़ा तरुणी जवान हक अपन डटी मांगा छोड़ ना मैदान लहू रंग रंग देव अपन विधान। ये गीत लंबी है। इसके बाद क्या कहा था शिबू सोरेन ने आपको, ये बताइए। शिबू सोरेन जब चलने चलने का टाइम आ गया था जी, तो हमको बोले थे, एहो मंसूरी साहेब, हमर तीर कर धार और रोर गीत कर धार अलग राइज लेके रही हो, ऐसा उन्होंने हमको बोला था। ये कब की बात है? हमको लगता है 76 साल, 76 1976 की बात है। देखिए, 1976 में शिबू सोरेन ने कहा था, जब वो झारखंड आंदोलन तेज गति पकड़ रहा था उस समय में, कि उनका तीर जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर चुनाव चिन्ह है और मंसूरी साहब का जो गीत है वो अलग राज्य लेकर के रहेगा। झारखंड राज्य आज से 20 साल पहले ही बन चुका है और इस बार पद्मश्री लिए हैं मधु मंसूरी साहब ने। इनसे अब कुछ और सुनते हैं। मंसूरी साहब, आप फ़ोन थोड़ा सा रख दीजिएगा एक मिनट के लिए। और ये नौ भाषा की जो बात है, गीत है, क्या है नौ भाषा की? ये नौ प्रकार के जो भाषा झारखंड में बोले जाते हैं, संथाली है, नागपुरी है, खोरठा है, कुरमाली है, हो है, खड़िया है, उराव है, इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो नौ गो भाषा चलते हैं, पचपरगनिया है, ये सब नौ भाषा के बारे हम नए सिरे से शरीर चलेगा तो आंदोलन करेंगे। उसके लिए गीत क्या है? उसके लिए हम लिखेंगे गीत। अच्छा। लेकिन ये गीत हम श्री गणेश बुनियाद कर दिए हैं, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा एहे मने साध हमर एहे अभिलाषा, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा एहे मने साध हमर एहे अभिलाषा, आयो कोखी जन्म ले ली धरती ते कली एहे भाषा एहे बानी दुनिया देखली, अमृत समान हमर चाहे तीता कसा हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा। देखिए मंसूरी साहब, अभी चूंकि पद्मश्री आपको मिला है, देश दुनिया में आप चर्चित हुए हैं, खास करके तब जबकि झारखंड की माटी की आवाज़ को जिस तरह से आप आवाज़ देते हैं उसको लेकर के,
लेकिन पलायन अपने राज्य की बड़ी समस्या है। अगर झारखंड को कहा जाए तो देश दुनिया में एक जो कहते हैं कि एक धब्बा कह सकते हैं कि पलायन के नाम पे है। यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होता है, बस यहाँ की बच्चियाँ बाहर जाती हैं, ना चाहते हुए उनको इस तरह का काम करना पड़ता है। पलायन की समस्या पर आपने उठाया है कुछ अपने गीतों के माध्यम से, तो सुनाइए। देखिए 1972 में हम प्रथम बार पलायन के विरोध में गीत लिखा था, जो बहुत प्रभावशाली मेरा स्वयं लिखा हुआ है। एक लड़की है, जवान लड़की है, नाम है चांदो, लेकिन वो बेरोजगारी या मजबूरी के कारण राज से विराज जा रही है। तो उसको चाहने वाला उसका हीरो रेलवे स्टेशन गया है वापस करने के लिए, लेकिन वो रुक नहीं रही है, जाना ही चाह रही है। और जब रेलगाड़ी आ गई और रेलगाड़ी का डब्बा में चढ़ने के लिए पावदान में पैर रखी, उस समय उसका चाहने वाला बॉस हीरो उसको आवाज़ देता है, तुम कहीं भी जाओगे इतना सुंदर राज नहीं पाओगे। लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं, जाना है तो जाना है, कुछ सरकार की गलती। क्या बोल दिया आपने ये उसको? हम बोले, लड़की का चांदो था नाम, चांदो का नाम लेके उसका हीरो फागू आवाज़ देता है रेलगाड़ी में चढ़ते वक्त, चांदो रे तोए कोड़ा मैट जाबे, चांदो हमर प्रेम तोड़ी, तोए कोड़ा मैट जाबे, चांदो हमर प्रेम तोड़ी, कतई दिना अलग डिंडा जन्म ठाँव छोड़ी, कोड़ा हर कोड़ा मैट जाबे, चांदो हमर प्रेम तोड़ी, जहाँ जाबे बाबे कहाँ हीरा नागपुर, छुआ बेरा खेलत रही ईटा पखल धूर, चांदो ईटा पखल धूर, तोर बिना सुना सुना, तोर बिना सुना सुना, कुया पोखर डाड़ी कोड़ा, हर कोड़ा मैट जाबे, चांदो हमर प्रेम तोड़ी। अच्छा मंसूरी साहब, ये बताइए कि अब आप आ गए हैं यहाँ पर पद्मश्री लेकर के, आपका कार्यक्रम भी है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, जब मुख्यमंत्री जी से मिलिएगा तो क्या कुछ अपने मन में रखा है कि इन सब चीज़ों के लिए उनसे कहेंगे कि अब चूंकि समय आ गया है कि झारखंड भारत में और विश्व में अपना नाम, अपना परचम और बुलंदी के साथ उठाए? जी, छोटा छोटा या बड़ा बड़ा मेरा दो चार को सब्जेक्ट है। झारखंड 5वीं अनुसूची का राज है, यहाँ आदिवासियों के नाम पर खजाना का मुँह खुलता है। फिर आदिवासी पिछड़े क्यों हैं? क्या उनकी गलती है या इस राज को चलाने वालों की गलती है? क्या कारण है जो वो लोग आज तक उनका रहन सहन, खान पियान, शिक्षा आदि में सुधार नहीं हुआ है और वो पलायन करते हैं? इस बात पर विचार किया जाए। दूसरी बात है जो हम उनके पास बोलेंगे, यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को दस्तावेज करना चाहिए। ये नहीं कि अखाड़ा में नाचे गाए अब पिए खाए खत्म हो गए, ये बात हम उनको कहेंगे। और तीसरी बात हमको कहना है कि झारखंड नव निर्माण के बारे अब नई सिरा से सोचा जाए और थोड़ा जागरूक हो हमारे सांसद और विधायक और कुछ काम करे सरकार, ये हम उनसे। एक चीज और भी है, आप फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, उसके लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं आप? जमीन है, हम इस बात को स्वाभिमान से बोलते हैं और आज भी बोलते हैं कि जमीन देंगे। हमारे गांव में 503 एकड़ 9 डिसमिल जीएम लैंड है, थोड़ा बहुत जीएम लैंड मेरा राजा जमींदार बंदोबस्त किया है, लेकिन आधा से अधिक लूट हुआ है, हम उस पर रोक लगा दिए हैं। वो जमीन पर स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, फिल्म सिटी बनाओ, स्वास्थ्य बनाओ और कुछ भूमिहीनों को घर दो, जैसे मुझे रघुवर दास ने पद्मश्री का अनुशंसा किया, ऐसे हेमंत सोरेन भी किया था, लेकिन सरकार बदली तो मामला खत्म हो गया, मेरे जगह अशोक भगत को मिल गया, स्वागत करते हैं। तो इस तरह से नवनिर्माण करना है। हेमंत सोरेन मुझे जमीन भी दे दिया और भाजपा सरकार का अनुशंसा मुझे पद्मश्री दे दिया, सबको स्वागत करता हूँ। अंतिम सवाल है जी, हम लोग चूंकि देख रहे थे दृश्य में, जब आप महामहिम राष्ट्रपति जी से आपने मेडल लिया आप, हाँ, तो उसके बाद कुछ बातें हो रही थी हर लोग के मन में कि आखिर बातें क्या हो रही थी, क्या कहा राष्ट्रपति महोदय ने आपसे? राष्ट्रपति जी मुझको
मेडल पहनाते वक्त बोले थे यहाँ लाखों हजारों करोड़ों लोग आए लेकिन मधु मंसूरी हसमुख नहीं आया, ऐसा हमसे मजाक किए। अच्छा, इतने बोले। तो ये हमारे साथ पद्मश्री मधुर मंसूरी हसमुख साहब थे, बिल्कुल वास्तव में हसमुख हैं और इनकी जो आवाज़ है बिल्कुल कह सकते हैं वो सीधे दिल में उतरती है। कैमरामैन परमानंद के साथ उपेंद्र, ईटीवी भारत, रांची।